कुछ लोग मानते हैं कि फेरी सिर्फ मन की एक कल्पना है। उन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ वही है जिसे हम देख और छू सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फेरी की कहानियों पर पूरा विश्वास है। वो सच्चे दिल से मानते हैं कि परियों की भी दुनिया है। आज तक इंसान और परियां एक दूसरे से कभी नहीं मिले, लेकिन एक गर्मी के मौसम में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम कभी भुला नहीं सकते। आया है समा जब है अंबर नीले नीले और खिल रहे हैं फूल रंग बिरंगी, हर तरह के हर जगह होगी हरियाली। जब आएगी बरसात होगा मौसम ताजा फिर से, मधुमक्खियां गुनगुना रहे फूलों में, इतने हैं खुशियां रखे फूलों में सबके लिए। देखो कैसे कलियां करती हैं सूरज को सलाम, क्योंकि आया वो समा फिर से। अरे टिंक, मेनलैंड की पहली छुट्टी के लिए तैयार हो? बिल्कुल तैयार। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम यहाँ पूरा सीजन रहेंगे। तो फिर इंतजार किस चीज का है? मेरे पीछे आओ। हवा है हल्की मीठी सी, जमीन है खूब हरी भरी, ओ करे थोड़ी मस्तियाँ। पंछी बैठी डाली पर दे रही है खुशखबर, मिलके गा रहे हैं मछलियाँ। आई गर्मियाँ, आई गर्मियाँ। वो रहा टिंक, फेरी कैंप। भूल जा सर्दी के दिन, अब न कोई काम कठिन, मिलेगी बस हमें अब खुशियाँ। आई गर्मियाँ, गर्मियाँ। कैसे हो चीज? आई गर्मियाँ। तुम्हारी नींद पूरी हुई? क्या धमाकेदार लैंडिंग थी क्लैंकी। शुक्रिया बॉबल। दोस्तों, तुम तो साल भर का सामान ले आए। आ जाओ टिंक, अंदर चलते हैं। अंदर? टिंक, फेरी कैंप कभी खुले में नहीं हो सकता, हमें इंसानों से छिपकर रहना पड़ता है। छिपकर? हाँ, इसलिए हमारा कैंप यहाँ अंदर बना है। वाह, ऐसा लगता है कि पूरा पिक्सी हॉलो यहीं पर है। खूबसूरत लग रहे हैं। मशीन्स कैसे चल रही है? सुपर्ब, सब तुम्हारी वजह से। टिंक, नेक्स्ट नेक्स्ट। तुम बीलाइनर कैसे चल रही है? एकदम शहर की तरह। थैंक्स। ग्रेट। गाड़ी में गड़बड़ी हो तो ठीक कर दो। नहीं, रहने दो, ये ठीक चल रही है। ओके, सुनकर अच्छा लगा। ये है पहले हफ्ते का स्टॉक। तो टिंक, मैं चला, मुझे दूसरे फेरी कैंप्स में भी पिक्सी डस्ट पहुँचानी है, लेकिन मैं एक दो दिन में वापस आ जाऊंगा। और हाँ टिंक, चिंता मत करो, जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। मिल जाए तो बेहतर है।
चलो तब तक इंसानों का खोया हुआ सामान ढूंढते हैं। रुक जाओ खोए सामान की रानी, तुम इंसानों के घर के पास बिल्कुल नहीं जाओगी, समझी? यहाँ इंसानों का घर है? नहीं, मेरा मतलब है पर नहीं जाना, हम इंसानों से दूर रहते हैं। ओह एरिडेसा, टिंकरबेल को इतना तो पता ही है क्यों है ना, लेकिन कितने दूर रहना है? ये छुट्टियाँ भी ये बिगाड़ेगी। गड़बड़, छोड़ो भी, ये तो विद्या की पुरानी आदत है। नहीं वो नहीं, आज हवा में कुछ गड़बड़ है, शायद तूफान आने वाला क्या है। क्या कह रही हो सिल, सूरज चमक रहा है, हवा ताजी है, कितना खूबसूरत दिन है, कुछ भी गलत नहीं। Tinkerbell! हम पहुंच गए पिताजी, ये तो बिल्कुल पहले जैसा है। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। नदी, पक्षी, ये लहराते खेत कितने खूबसूरत हैं। काश ये छुट्टियाँ कभी खत्म ना हो। हाँ लिजी, यहाँ क्या करने आई हो? बिटिया ये तो कमाल का है, ये वो गाड़ी है जो अपने आप चलती है बिना घोड़े के। सच कह रही हूँ, तुम्हें कोई घोड़ा दिख रहा है? नहीं। ये है बिना घोड़े का टांगा, और तुम जानना चाहती हो ये कैसे चलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे जानना है। मुझे लगता है वो पहिए इसलिए चलते हैं क्योंकि ये चेन उन्हें घुमाती है, और जो चीज इस चेन को घुमाती है वो ये बड़ी सी। अब बहुत हो गया टिंकरबेल, तुम्हें इंसानों के घर के पास नहीं जाना चाहिए, अगर उन्होंने देख लिया तो। ये सब हरकतें करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें पता है विजया, लगता है यहाँ से इस गाड़ी को पावर मिलती है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें मेन लाइन में नहीं लाना चाहिए था। तुम्हें अगर इससे कुछ हो तो बताना। विजया कुछ हुआ क्या? विजया तुम तो भीग गई। मुझे तो पता ही नहीं था। पिताजी पिताजी सुनिए ना, क्या हम चाय और नाश्ता यहाँ बाहर गार्डन में कर सकते हैं, जैसे हम पिकनिक पे करते हैं? आज नहीं लीजिए, मुझे डिक्की से सामान निकालना है और घर भी साफ करना है। पिताजी देखिए ये तितली कितनी खूबसूरत है। कमाल है, बिल्कुल अद्भुत और आश्चर्यजनक। सच में बहुत प्यारी है, ये किस तरह की तितली है? इसके बाहरी रूप को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि ये एक पहाड़ी तितली है, पर दोनों पंखों के रंग बिल्कुल अलग अलग हैं, और ऐसा आम तौर पर तो नहीं होता। हमें लगता है परियां इन्हें ऐसे भी रंग करती होंगी। नहीं बेटा, तितलियों के पंखों को परियां रंग नहीं करती, क्योंकि सच ये है कि परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं। परियां सच में होती है, सबूत आपके सामने है, उनका रंग इसके पंख पर फैल गया है। सचमुच बेटा, बुद्धिमान लोग मानते हैं कि जो परियों पर विश्वास करते हैं वो बुद्धू होते हैं। इसने तो अभी जन्म लिया है, इसका कोष पास के खेतों में होगा। क्या खेतों में? पिताजी रुकिए, हम वही जा रहे हैं, आप साथ चलेंगे? नहीं लिजी, मुझे मेरा फील्ड जर्नल पूरा करना है और म्यूजियम में मेरा इंटरव्यू कल रात को है। अब जाने की बात क्यों कर रहे हैं, अभी तो हम आए हैं। लेकिन काम तो काम है ना बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं इंटरव्यू देकर वापस आ जाऊंगा। मिसेस पर्किंस तुम्हारा ख्याल रखेंगी और रात को मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, अब थोड़ा काम कर लूं बेटा।
रास्ता साफ है, आ जाओ विजया। मैं उड़ नहीं सकती, मेरे पंख भीग गए हैं। ओ, सही कहा, सॉरी। लगता है तुम्हें पैदल ही चलना पड़ेगा, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कंपनी दूंगी, इसमें बहुत मजा आएगा। या नहीं आएगा, मैं इस टांगे के बारे में काफी कुछ जान गई हूँ। उस चिपचिपी चीज की वजह से शायद गाड़ी आराम से चलती है। पता नहीं ये चिपचिपी सी चीज कितने बड़े जानवर से आती होगी। तुम्हारा घर तैयार हो गया, तुम जहाँ कहीं भी हो नन्ही परिया। और थोड़ी सजावट की जरूरत है। पर समझ नहीं आ रहा कि उस चिंगारी वाली वायर का काम क्या है। सुनो, शायद वो टांगा आसमान की बिजली से चलता हो। क्या ये गीले पंख तुम्हें अभी भी परेशान कर रहे हैं? रुको, मैं इन्हें सुखाती हूँ। टिंकरबेल, अगर तुम मुसीबतें खड़ी करने में थोड़ा कम वक्त दो तो शायद तुम्हें बार बार सबकी मदद करने की जरूरत ना पड़े। वाह, सच कड़वा ही लगता है ना? देखो, हम इसे कैंप में इस्तेमाल कर सकते हैं। वाह, जो गाड़ी मैं बना रही हूँ उसके व्हील के लिए बिल्कुल सही रहेंगे। ये लो, अगर मैं ऐसे दो या तीन एक साथ जोड़ दूँ तो मैं एक बहुत ही मजबूत व्हील तैयार कर सकती हूँ। अच्छा हुआ हम चल कर आए, वरना इन्हें कभी नहीं देख पाते। वो बटन्स कहाँ गए? टिंकरबेल, मैं ये इंसानी कचरा अपने कैंप में नहीं ले जाऊंगी। जल्दी चलो। हाँ? टिंकरबेल, हमें इंसानों के घर के पास नहीं जाना चाहिए। ये इंसानों का घर नहीं है, वो तो बहुत बड़े होते हैं। और देखो, यहाँ पे लिखा है फेरीज वेलकम। हाँ, और ये किसने लिखा होगा? इंसानों ने। टिंकरबेल, भूल कर भी अंदर मत जाना। मैंने कहा ना, अंदर मत जाओ। ये किसी की नहीं सुनेगी। टिंकरबेल, उसे मत खाओ, कोई चाल हो सकता है। चिंता मत करो विजया, यहाँ पे सब ठीक है। तो ये बात है। ये नहीं सुधरेगी। तो क्या अभी भी सब ठीक है? अच्छी कोशिश थी विजया, लेकिन मैं डरने वाली नहीं। वाह, ये तो कमाल का है। तुम्हें तो पता ही नहीं चलता ना कि कब क्या करना है। ओह नो, टिंक, कोई आ रहा है, दरवाजा अटक गया है। ओह, बस ठीक करो विजया, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली। इस बात का क्या काम हो सकता है? टिंक, मैं मजाक नहीं कर रही, यहाँ से निकलो। बस हो गया, एक सेकंड और। विरिया, विरिया, ओह विरिया, बहुत हो गया, दरवाजा खोलो, मुझे बच्चा। ओह नो, ये मैंने क्या किया? विरिया, अब बस करो, बहुत हो गया मजाक। ये तो परी है। ये तो असली परी है। पिताजी, पिताजी।
पिताजी पिताजी ये देखिए। हाँ लिजी। जरा देखिए हमें क्या मिला। अभी नहीं बाद में। पर पिताजी पिताजी देखिए ना हमें क्या मिला, देखिए ना पिताजी। मत करो बेटा, मुझे ये काम जल्द से जल्द पूरा करना है। पर एक बार देख तो लीजिए पिताजी। लिजी प्लीज, मुझे इस अद्भुत खोज के बारे में अपने फील्ड जर्नल में लिखना ही होगा। तुमने पहचाना इसे? ये तो वही तितली है जो हमने बाहर देखी थी। हाँ, मेरे प्रयोग में काम आएगा। आप इसे लंदन तो नहीं लेके जा रहे ना? जरूर ले जाऊंगा। इसे दिखाए बिना म्यूजियम के बड़े अधिकारी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, और मुझे विश्वास है कि इसका निरीक्षण करके वो हैरान हो जाएंगे। वैसे भी वैज्ञानिक समुदाय का सदस्य होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी खोज को अपने बाकी सहयोगियों के साथ बांटूं। मुझे अफसोस है कि इस तितली के साथ बुरा सलूक होगा, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। हाँ तो बेटा, तुम मुझे क्या दिखाना चाह रही थी? कुछ भी नहीं। परी कहाँ चली गई? नहीं परी, जब तक आप अंदर है रंगीला आपको परेशान नहीं करेगा। बदमाश रंगीला, अब तुम्हारी जगह है बाहर। टिंकरबेल को? ये कैसे हो गया वीडियो? टिंकरबेल खेत में एक छोटे से घर के अंदर गई थी, वहाँ से निकल नहीं पा रही थी और उसका दरवाजा भी अटक गया। तभी अचानक एक इंसानी लड़की आई और उसे अपने घर ले गई। लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हमें जल्द से जल्द उसे बचाना होगा। मतलब हमें इसी वक्त निकलना चाहिए। क्या ये तूफान जल्दी थम जाएगा? नहीं, लगता है कि ये और भी तेज होने वाला है। टिंकरबेल तक पहुंचने का कोई तो रास्ता होगा। हम बारिश में उड़ नहीं सकते और खेत में तो बाढ़ आ गई है। शायद हमें उड़ना ना पड़े। अगर हम कुछ बड़े पत्तों को पेड़ की रस्सी से आपस में सील दे। हाँ। और उनके दोनों सिरे जोड़कर एक सतह बना दे। हाँ, जिस पे हम सब खड़े हो जाए। और मजबूती के लिए ऊपर से पीपल के पत्ते लगा देंगे। तुम लोग बनाने क्या वाले हो? हम दोनों बनाएंगे एक बोट। थोड़े और मशरूम्स लाओ, जल्दी लाओ, मुझे दो। ये यहाँ से निकलकर वहाँ जाएगी और वहाँ से निकलकर यहाँ आएगी, है ना? बिल्कुल सही बबल। लगता तो है कि बोट चलेगी। देखो, इसे इस तरह घुमा और बड़े पत्ते इस पे बिछा दो। आओ,
आओ आओ आओ, जल्दी से इसे उठाओ। ये हुई ना बात, अब भंवरे गुनगुनाएंगे। हमारी बोट बन गई। दोस्तों तैयार हो जाओ। याद है फेथ, ट्रस्ट और पिक्सी डस्ट। खुल जा, अब खुल भी जा। हेलो। आप डर क्यों रही है? हम कुछ नहीं करेंगे। आप तो बहुत छोटी हैं। आपके कपड़े तो पत्तों से बने हुए हैं। क्या आपने खुद बनाए हैं? आपके पंख पसंद आए, कितने प्यारे और चमकदार हैं। आप कौन सा शैम्पू लगाती हैं? आपको भूख लगी है? शायद नहीं। कोई बात नहीं, हमें भी कुछ चीजें खाना पसंद नहीं है। ओ, हमें माफ कर दीजिए, हम ये भूल कैसे गए। बाहर आ जाइए। रुकिए, रुकिए, नहीं रुक जाइए ना, हम आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। हमसे डरिए मत, हम बस आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। हम सच में आपको कुछ नहीं करेंगे। हमें तो परियां पसंद है, हम उनके ड्राइंग्स भी बनाते हैं। देखिए, हमने इसे 3 साल की उम्र में बनाया था और ये हरा वाला हमने पिछले हफ्ते बनाया है। ये पहले से ज्यादा बेहतर है। हमने तो वाटर कलर से भी पेंटिंग शुरू कर दी है जो पिताजी ने दी थी। क्या ये सच है कि तितलियों के पंख परियां रंगती है? हमें पता था, ये हमारे कुछ फेवरेट ड्राइंग्स है। ये है जल परी, इसलिए हमने इसे नीला रंग किया है। नीला? और ये है चॉकलेट परी जो टॉफी के पेड़ पे रहती है। क्या सभी परियां मिठाई के पेड़ों पर रहती है? अच्छा, और परियों का सर्कल क्या होता है? हमने सुना है कि अगर कोई परी से मिलता है तो परी को अपने जादू से उनकी 3 इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है। अगर वो पूरी ना करे तो वो मीठे शक्कर के ढेर में बदल जाती है। और बस भी करो, ये कहानी तुम्हें किसने बताई? वाह, आप तो सुर में बोलती है, एक छोटी बेल की तरह। तो आप लोग ऐसे बात करते हैं। तो आपको हमारे ड्राइंग्स कैसे लगे? ओ, और हमारा परी का घर, ये थोड़ा सा खराब हो गया है। क्या ये तुमने बनाया है? हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही है। ओ, क्या हमने ये बनाया है? हाँ, हमने बनाया है। आपको अच्छा लगा? ओ, दरवाजा फंस गया है। कहीं आप टिंकर तो नहीं जो सब कुछ ठीक कर सकती है? क्या यही आपका नाम है, टिंकर? बेल? ओह, तो आपका नाम बेल है। टिंकर, बेल, टिंकर, बेल, टिंकर बेल। ओह, कितना प्यारा नाम है। हेलो टिंकर बेल, हमारा नाम लिजी है। लिजी, लिजी, तुम किससे बात कर रही हो? अपने परी से। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ जो तुम्हारे लिए सच में काम आएगा। ये मेरे लिखे हुए कुछ पुराने फील्ड जर्नल्स हैं। तुम्हें इस वाले को पढ़ने में बहुत मजा आएगा।
ये पत्थरों और खनिजों पर आधारित है, और इस पत्थर के बारे में पढ़ना मत भूलना। क्या आपके पास कोई परी का फील्ड जर्नल है? बिल्कुल नहीं बेटा, इस तरह की किताबें वैज्ञानिक खोज और वास्तव पर आधारित हैं, जो तुम्हारी कल्पना और ड्राइंग से बिल्कुल अलग। आपने कभी परियां नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि परियां नहीं होती है। देखो बेटा, सच वही है जो दिखता है, और सबूत के बिना परियां सिर्फ कहानियों में होती हैं। अब ये एक बिल्कुल खाली फील्ड जर्नल है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो मेरी बच्ची, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इसे खुद की वैज्ञानिक खोज से भर दोगी। जी पिताजी। काश टपकती छत परियों की तरह सिर्फ कहानियों में होती। टिंकर बेल, अब आप बाहर आ सकती हैं। देखो लिजी, तुम्हारी फेरीज की ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, पर मुझे अब जाना चाहिए। आप जाना चाहती हैं? ओह, हमें लगा आप हमारे साथ रहेंगी। मुझे जाना ही होगा। ठीक है, हम समझते हैं। क्या हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे? क्या हुआ, आप बारिश में उड़ नहीं सकती? बारिश रुकने तक आप हमारे साथ रह सकती है। आपको हमारा कमरा दिखाएंगे, खिलौनों के साथ खेलिए, सच में बहुत मजा आएगा। हम गहरे पानी में आ चुके हैं। ठीक है, बड़े पत्ते को गिरा दो। ठीक है, मैं गिरा रही हूँ। रस्सियाँ बांधो। रस्सियाँ बांध दी। सामने कोई बड़ी चीज दिखाई दे रही है, किनारे पे पहुँचना मुश्किल है। किनारा मुश्किल है, बाई तरफ मोड़ो। मैं इस गाड़ी को पहचानती हूँ, आगे चलते रहो। ठीक है, तुम बस रास्ता बताती जाओ। हाँ, टिंकर सुरक्षित हो तो अच्छा है, क्या पता इस वक्त वो बेचारी किन हालातों में होगी। अब इसे कहते हैं असली जिंदगी। आपको मजा तो आ रहा है ना? इस घर की सारी चीजें आपकी साइज की है टिंकरबेल। ये परफ्यूम है, इसकी खुशबू फूलों की तरह है। ओ, हमारी गुड़िया, इसे तो अभी सोना चाहिए। आपकी उम्र क्या है? हम तो 9 साल के हैं। आपको गुड़िया घर पसंद आया? क्या परियां भी घरों में रहती है? उनके घर किस चीज से बनते हैं? ये कुकर है, लेकिन ये काम नहीं करता। आपको क्या खाना पसंद है? मेरा मतलब मिठाई के अलावा। ओह, हमें आप लोगों के बारे में सब कुछ जानना है। बहुत अच्छे। परियों की साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक खोज शुरू करते हैं। आपका फेवरेट रंग क्या है? हरा तो हमारा भी फेवरेट रंग है। ओह, हम पहले से शुरू करते हैं। परियां कहाँ से आती है? हमारा मतलब वो जन्म कहाँ लेती है? ओह, जन, ये बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कोई बच्चा जो पहली बार हंसता है और तब एक फेरी क्या करे। एक सेकंड रुको। आप बचपन में बहुत मस्ती करती थी। एक बच्चा हंसता है, एक पहला एक बच्चा जब पहली बार हंसता है तब एक परी जन्म लेती है। वाह, क्या बात है लिजी, अभी तुम्हें बहुत कुछ जानना है। मुझे ना पता सच होगा सपना, हम तुम दोनों साथ, क्या ये है नई बात? होता ना यकीन, सब कुछ लगता रंगीन।
दोस्तों यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। ये रास्ता हमें सीधे इंसानी घर तक ले जाएगा। तो तुम्हारे अंदाजे से हम उस घर से कितने दूर हैं? ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो कितना डूबा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। देखो मैं तो हौसला नहीं छोड़ने वाली, हम जल्दी टीम तक पहुँच जाएंगे। काश तुम्हारी बात सच हो जाए। बचने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी रोसेटा। जल्दी आओ, मेरे पैर पकड़ो। क्या? कुछ करो, हम सीधे नीचे जा रहे हैं। जिंदा है? मैं तो नहीं। मैं भी नहीं, मुझे नब्ज नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी नहीं है, लगता है मैं तो गया। मैं तो हूँ, मैं जिंदा हूँ। सॉरी, लगता है यहाँ से चलकर जाना होगा। पर चलकर किस तरफ? पता नहीं हम कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ तो हर तरफ सिर्फ घास ही घास दिखाई दे रही है। ओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा हम किस तरफ जाएं। क्लैंक, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ओ, क्या बताऊँ, अब यही पड़ा हुआ था। तुम्हारा है क्या? मुझे पता है हम कहाँ हैं। टिंकर बेल, ये काम कितना मजेदार है। शुक्रिया। हमें तो पता ही नहीं था कि परियों के वजह से मौसम बदलता है। हमें तो लगा था कि पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है इसलिए मौसम बदलता है। हम चाहते हैं कि तुम ऐसा सोचो। हमें लगता है हमने सब कुछ लिख लिया है। ओ, शायद पिताजी खुश हो जाएंगे। और अब सबसे आखिर में हसीन परियों की दुनिया पिक्सी हॉलो। काम बन गया। ओ टिंक
टिंकरबेल, हमें जल्दी से पिताजी को दिखाना है। टिंकरबेल, आप ठीक तो है ना? टिंकरबेल? हाँ? ओह, क्या कहा? चलो तुम्हारे पिताजी को दिखाते हैं। लगता है बारिश रुक गई है, अब आप अपने घर जाकर अपने दोस्तों से मिल सकती है। ये आपके काम आ सकता है। ओ हाँ, आप कितनी समझदार टिंकर है। आप अपना ख्याल रखिएगा। हमें आपकी बहुत याद आएगी टिंकरबेल। आप जल्दी निकलिए वरना बारिश फिर से शुरू हो जाएगी। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी लिसी। पिताजी देखिए। इस वक्त नहीं लिसी, देखो मेरे हाथ खाली नहीं है। हमने ये खास आपके लिए बनाया है पिताजी, ये बिल्कुल आपकी किताबों की तरह है, सच्चाई से भरा हुआ। हाँ हाँ, फिर तो बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन इस वक्त मैं छोटी सी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, बाद में देखूंगा। लेकिन पिताजी एक बार तो देख लीजिए, हमने ये कहा ना लिसी, बाद में देख लूंगा। इस वक्त मुझे किसी भी तरह पानी को रोकना है वरना मेरी किताबें खराब हो जाएंगी। तो आप कब इसे देखेंगे? कह नहीं सकता, शायद थोड़ी देर बाद। आप हमेशा ऐसा कहते हैं। वापस आ गई, आपको देखकर बहुत खुश हुए। ओ टिंकरबेल, पिताजी के पास किताब देखने का वक्त ही नहीं है। मैं शायद इसमें कुछ कर सकती हूँ। विडियर, तुम्हें यकीन है हम सही जा रहे हैं? हाँ, टिंकरबेल और मैं यहीं से गुजरे थे, मुझे बस सही रास्ता ढूंढना है। रास्ता? कौन सा रास्ता? ये वाला। ये कोई रास्ता थोड़ी ना है, ये तो कीचड़ की नदी है। चलो जाकर एक पुल ढूंढते हैं, या मेंढक की तरह इसमें कूद पड़ते हैं। ये गहरा नहीं है, चलकर जा सकते हैं। नहीं, मुझे कीचड़ पसंद नहीं है। पर तुम तो एक गार्डन फेरी हो। है ना ये फनी बात, रोजेटा? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। ये तो फंस गई। मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई ऐसी चीज लाओ जिसे मैं पकड़ कर बाहर आ सकूं। समझ गया, फ्लैंकी मेरे साथ चलो। हाँ हाँ चलो, हम तुम्हें अपनी जान पर खेल के बचा लो। ठीक है, तब तक हम कोशिश करते हैं।
तुम्हें महसूस हुआ विद्या शायद बाहर आ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। कोई है? क्या कोई है यहाँ? बाहर आओ। इसे पकड़ो जल्दी, ये मजाक का वक्त नहीं है। बात मानो और इसे कस के पकड़ो। शायद कोई नहीं। हम ले आए। तुम लोगों को क्या हुआ? हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। क्यों, यहाँ कोई आया था? वाह क्या शानदार चाय बनाई है, हम आपसे खुश होकर कहते हैं शुक्रिया टिंकरबेल, आप बहुत अच्छी है। कप को इस तरह पकड़कर अपनी आखिरी उंगली बाहर रखिए और इस तरह दी जाती है एक शानदार टी पार्टी। गुड नाइट लिसी। अब सब ठीक है, सोने का वक्त हो गया। मेरी बच्ची के लिए तो मेरे पास वक्त ही नहीं बचता। गुड मॉर्निंग टिंकरबेल, अच्छे से नींद आई? दरअसल मैं तो रात भर सोई नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, जाकर पिताजी को अपनी जर्नल दिखाओ।
लिजी। जी पिताजी। गुड मॉर्निंग बेटा। ये पानी अपने आप कैसे रुक गया? मैं बस देखने आया था कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। हाँ यहाँ सब ठीक है, पानी रुक गया है। और सचमुच कमाल है, ये अपने आप कैसे ठीक हो सकता है? बारिश तो अब भी हो रही है, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। खैर छोड़ो, जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया होगा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं चला जाऊं। आप अपने कमरे में जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढिए, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है तो तुम खेलो। हाँ हाँ ठीक है पिताजी, अब जाइए। हम तो पकड़े ही जाते। क्या कर रही हो? यही तो मौका था। हाँ तो इसलिए आपने इस घर की मरम्मत की, ताकि पिताजी हमारे साथ वक्त बिता सके। हम उन्हें ये दिखाने के लिए बेताब हो रहे हैं। ठीक है हम जा रहे हैं। पिताजी अब तो आपके पास बहुत वक्त है, तो क्या हम आपको हमारी फील्ड बुक दिखा सकते हैं? ये क्या, वो तितली कहाँ गई? क्या वो अद्भुत रंगों के पंखों वाली पहाड़ी तितली? आज रात में उसे म्यूजियम में दिखाने वाला था। ओ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था जो अब चला गया है। बेटा क्या तुमने उसे छोड़ा? नहीं। उसे तो मैंने भी नहीं छोड़ा, और इस घर में हम दोनों के अलावा तीसरा कोई नहीं है। इससे ये साबित होता है कि ये काम तुमने ही किया होगा। हमने ये नहीं किया पिताजी। बेटा मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे सच बताओ ये तुमने किया? हम आपको बता सकते हैं, पर आप हम पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है अब अपने कमरे में जाओ लिजी, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। पता है दोस्तों, अगर इस वक्त टिंक हमारे साथ होती तो यहाँ इतनी शांति नहीं होती जितनी अभी है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है अब बताओ कौन हूँ मैं? गुस्से में टिंक ऐसी ही दिखती है। टिंकरबेल वाकई एक ब्रेव फेरी है ना? सही कहा, बल्कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो पकड़ी गई। हाँ टिंकरबेल को पकड़ना इतना आसान काम तो नहीं है, आखिर ऐसा हुआ क्या था? वो जल्द पता चल जाएगा। हाँ हमारे हर कदम के साथ हम टिंकरबेल के और नजदीक पहुँच रहे हैं। फिर वो बताएगी क्या हुआ था। सुनो मुझे ये पहले ही बताना चाहिए था, टिंकरबेल इस मुसीबत में फंसी मेरी वजह से। मैंने ही जोर से दरवाजा धकेला था ताकि टिंकरबेल को सबक मिले। मैंने उसे निकालना चाहा लेकिन दरवाजा फंस गया था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मेरी ही वजह से आज उसके साथ हम सब मुसीबत में फंस गए हैं। मैं तो माफी के भी लायक नहीं हूँ। ओह विद्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। हम सबको पता है टिंक हमेशा खुद ही मुसीबत में फंस जाती है। वो तो अच्छा हुआ कि तुम उसके साथ थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये कैसा रहेगा, फेथ, ट्रस्ट और पिक्सी डस्ट। और पिक्सी डस्ट। कोशिश करो तुम पहुंच जाओगे। खाना कम करना पड़ेगा, बस पहुंच गया। मैं मदद करता हूँ। अब बोलो क्या तुम्हें कुछ नजर आया? नहीं, यहाँ बीच में बड़ी सी बिल्डिंग है। बिल्डिंग? घर? ये तो घर है। क्लैंकी हमें मिल गया। क्या मिल गया? घर। उतरो नीचे। उतरता हूँ। तुम्हारे वजन से मेरी हवा निकल गई। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हम पे यकीन कभी नहीं करते। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। आपके होते हुए हमें क्या डर, आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। काश हम भी एक परी होते बिल्कुल आपकी तरह, तो हम फूलों को खिलने में मदद करते और जानवरों से बातें करते और सारा वक्त परी की तरह उड़ते रहते। कितना मजा आता।
जा रही है हमें। ये ऊपर क्या चल रहा है? ओ, ओ, ओ। आज रात में उस तितली को म्यूजियम में दिखाने वाला था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ कोई नहीं है। ओ, 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 वो, वो संभालिए। सॉरी, वो मेरा कान है। ओ, मेरा खूबसूरत चेहरा। सॉरी, मुझे दिख नहीं रहा। सुनो, टिंकरबेल ऊपर है और उस लड़की ने उसे पिंजरे में कैद करके रखा है। कैद करके रखा है? और इस घर में एक बड़ा इंसान भी है जिसे पंख वाले जीव पसंद नहीं है। वो उन्हें पकड़ के कांच की बोतल में रख देता है। बढ़िया। और कुछ है? ओ हाँ, वो रंगीला। रंगीला? कौन रंगीला? हाँ, वो है रंगीला। फोन, तुम तो एक एनिमल फेरी हो, बताओ हम क्या करें? उड़ जाओ, हमारे पंख गीले हैं। पता नहीं कब सूखेंगे। ठीक है तो फिर भागो। हमें किसी भी तरह उन सीढ़ियों तक पहुंचना है, पर कैसे जाएंगे? वहां पहुंचने के लिए किसी चीज से ब्रिज बनाए तो? सही कहा, एक ब्रिज। दोस्तों, दोस्तों। लेकिन उसे बनाएंगे कैसे? यहाँ देखो। क्लैंक, तुमने तो कमाल कर दिया। बॉय आज का खेल था। तो दोस्तों, अब आर या पार। हमें और प्लेट्स चाहिए। अभी भेजता हूँ। प्लेट्स आगे बढ़ाओ क्लैंकी। जी सर। लो पकड़ो इन्हें, मैं और ले आता हूँ। रंगीला भाई, लगता है अब बिल्ली दूर नहीं है। रंगीला भाई, ऊपर आ जाओ। रोजेटा, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, ये बिल्कुल वही है जो तुम सोच रही हो। तुम्हारा जवाब नहीं। तुम टिंक को बचाओ, हम रंगीला को संभालते हैं। ठीक है। ओ,
लिजी। आ रही हूँ पिताजी। लिजी। हाँ कहिए पिताजी, कुछ काम है आपको? अंदर क्या हो रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? आवाजें तो ऐसी आ रही हैं जैसे यहाँ हाथी दौड़ रहे हो। ये कमरे की क्या हालत है? ऐसा लगता है यहाँ तूफान आया था। इतना बुरा भी नहीं है। क्या इतना भी बुरा नहीं है? सारी किताबें बिखरी हुई हैं, एक भी खिलौना जगह पर नहीं है, और तो और तुमने पर्दे भी फाड़ दिए। ये क्या, तुमने पैरों के निशान छत पर कैसे बना दिए? अब तो हद ही हो गई। गुस्से में आकर जो तुमने किया है उसे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। लेकिन हमें गुस्सा आया ही नहीं तो है। ये सब हुआ कैसे? और इस बार तुम सच बोलोगी? अगर हम सच भी कहे फिर भी आप हम पर यकीन नहीं करेंगे। बेटा बोलो, सच क्या है? हम उड़ रहे थे, हमारी परी ने हमें ये सिखाया। अब बहुत हो गया। तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब एक परी ने किया है? अब बंद भी करो ये बकवास। ये बकवास नहीं है पिताजी, हम सच कह रहे हैं। तो यहाँ एक असली परी है जो तुम्हारे साथ रहती है। जी हाँ, हम आपको यकीन दिला सकते हैं। जरा इस किताब को देखिए। ओ बेटा, तुमने फील्ड जर्नल बर्बाद कर दिया। इस किताब में सच्चाई लिखी जाती है बेटा, परियों की कहानियाँ नहीं। पर पिताजी ये सच्चाई ही तो है। मुझे समझ में नहीं आता ये क्या पागलपन है। तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसे तुम ऐसे क्यों बर्बाद कर रही हो? पर क्यों आप हम पर यकीन नहीं करते? मैं उस पर यकीन करता हूँ जो दिखता है, और आज के बाद तुम्हें भी ठीक ऐसा ही करना होगा। पिताजी ऐसा मत कीजिए। मैं जानता हूँ कि ये समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर ये सब सिर्फ कहानियों में होता। नहीं ये सच है। बस हुआ, तुमने बहुत बहस कर ली। पर पिताजी। देखा, हमने कहा था ना परियां सच में होती है। इतना डरिए मत, ये कुछ नहीं करेंगी। ये सचमुच अद्भुत है। इसके पंख कितने सुंदर है ना। हाँ, बिल्कुल मोम पंख प्रजाति की तरह। नहीं, बिल्कुल जलपंछी की तरह। जरा इसकी बांह के अग्र भाग के साथ पंखों का अनुपात तो देखो, कितना शानदार है। ये कितनी सुंदर है। बहुत सुंदर है, मैंने ऐसी प्रजाति का कोई जीव नहीं देखा। ये कोई जीव नहीं है, ये तो परी है। ये परी की इस सदी की सबसे बड़ी खोज। इसे अभी इसी वक्त मैं म्यूजियम ले जाता हूँ। नहीं पिताजी ऐसा मत कीजिए। रुकिए ना पिताजी, रुक जाइए। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। म्यूजियम के अधिकारी मेरा सिर्फ 9 बजे तक इंतजार करेंगे। प्लीज तुम घर जाओ, और घबराना मत, मिसेस पर्किंस आती ही होंगी। टिंकरबेल, हमें माफ कर दीजिए, हमारे पिताजी आपके दोस्त को शहर लेके गए हैं। स्टेप, स्टेप, स्टेप। टिंकरबेल, देखिए आपके दोस्त आ गए। चाहिए? जाओ ले लो। दोस्तों, लिसी के पिताजी ने विडिया को पकड़ लिया जब वो मुझे बचाने आ रही थी। हमें उसे बचाना होगा। उफ़, एक और मुसीबत। पर हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे? हाँ, बाहर तो बारिश हो रही है। हाँ, हम तो बारिश में नहीं उड़ सकते, लेकिन मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जो उड़ सकती है। हमें डर लग रहा है टिंकरबेल, कमरे में उड़ना अलग बात है, लेकिन शहर तक उड़कर कैसे जाएंगे? ये आसान है। हाँ ठीक है, हम हिम्मत से काम लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जितनी भी पिक्सी डस्ट है सब ले आओ, हमें इसके साथ काफी लंबा सफर तय करना है। परियों,
बाय बेटा, संभल के उड़ना। अच्छी तरकीब है। से हटिए। वो रहे पिताजी। टिंकरबेल हम इतने तेज नहीं उड़ सकते, वो बहुत ही तेज चला रहे हैं। अगर वो ना मिले तो सब बेकार हो जाएगा। पिताजी, ये आवाज तो लिज़ी। पिताजी रुकिए, उसे मत ले जाइए। ये नहीं हो सकता। लिज़ी, तुम उड़ रही हो? हाँ, हम उड़ रहे हैं। कैसे? ये तुम कैसे कर रही हो? हमारे दोस्तों ने हमें सिखाया। मैं कुछ समझा नहीं। आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यकीन करना होगा। इन पर मुझे यकीन है, इन परियों पर मुझे यकीन है। ओ पिताजी। बेटा, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम पर कभी शक नहीं करूंगा। पिताजी, पर कैसे? मुस्कुराते हुए। अपने हाथ उठाइए और पैर हिलाकर आगे बढ़िए।
उड़ना इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो मैं कैसे उड़ रहा हूँ। उड़ रहे हैं पिताजी, आप उड़ रहे हैं। मुझे शायद इसकी आदत हो जाएगी। रुको रुको, कुछ याद आया। ऐसा कुछ है जो मैं हमेशा करना चाहता था। मेरे पीछे आओ। बच गए। बाय बाय म्यूजियम। हाय टिंक। हाय विजया। क्या इससे पहले कभी इंसानों की दावत में गई हो? हाँ, बहुत मजा आता है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा? ये तो आसान है, तुम्हें कप को बस इस तरह उठाना है। इस तरह? हाँ, और इस तरह पकड़ना है। समझ गई। और अपनी इस उंगली को बाहर रखो इस तरह, और उसके बाद कहो, एक्सक्यूज मी मिस, क्या मुझे एक बूंद चाय मिलेगी? हाँ जरूर मिस बेल, एक अच्छी ताजी चाय आपको भी ये मिलेगी परी रानी। वैसे आखिर ये है तो एक टी पार्टी ना। क्या मुझे भी एक कप मिलेगा मिस किफिट्स? हाँ जरूर डॉक्टर साहब, बड़े शौक के साथ लीजिए। शुक्रिया। आपको शक्कर कितने चाहिए, एक चम्मच या दो? मैं लूंगा 3 चम्मच। पिताजी। शुक्रिया। कितना अच्छा लग रहा है ना पिताजी? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, यहाँ तक कि घड़ी का वक्त भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। वाह मजा आ गया, टेस्टी है। फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ पक रहा है? हाँ तो हम कहाँ थे? यहाँ परियों के पास कई तरह की जादुई शक्तियाँ होती हैं। वो जानवरों से बातें कर सकती हैं, फूल खिला सकती हैं, बसंत की सुहानी हवाएं लहरा सकती हैं। ओह लिजी, कितनी खूबसूरत ड्राइंग है। और कुछ अनोखी चीजों का आविष्कार कर सकती हैं। तो टिंक, आखिर तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ मिल ही गया? हाँ शायद मिल गया। वो मौसम को बदल सकती हैं और कई तरह से प्रकृति की मदद करती हैं। लेकिन परियों की सबसे अच्छी बात होती है कि वो एक अच्छी दोस्त बन सकती हैं। सारी मुश्किलें उड़ गए ना है कहने के लिए, अब न होंगी कोई दूरियां, आई गर्मियां मिला है ये आसमां, हो गया नया समां, कर बस मिले खुशियाँ, आई गर्मियाँ। मेरे संग उड़ जा, न कहो अलविदा, आसमां है खुला, दुनिया को भूल जा।
खुली दिल की खिड़की ना कोई दीवार, बस अब होंगे दिल में सपने हजार। उस जहां के चाह सूरज कभी न ढले, मैं पास हूँ तुम्हारे, चलो उड़ चले। ना घबराओ मुन्नी प्यारी, दुनिया को दिखाओ हिम्मत तुम्हारी। घूमो घूमो तुम्हारा ये पल, सोचो कि अब दुनिया तुम्हें मिल गया। सोचो कि डर सारे अब दूर हो गए, मैं पास हूँ तुम्हारे, चलो उड़ जा।